अब तक की कहानी में गाइस आप लोगों ने देखा कैसे फ्रैंकलिन घोस्ट राइडर के साथ अपनी यूनिवर्स 4 की टीम बना लेता है और उसे बनाने के बाद वो अपने फॉर्म को फिल अप करके अप्रूवल देते हैं और अब वो लोग रेडी है थानोस माफिया के टूर्नामेंट के अंदर जाने के लिए। अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने इन सारे चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल्सो चेक आउट दिस चैनल एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना वीडियोस के अपडेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया गाइस यार, पैदल चल चल के मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया। कल तो हम लोगों ने गाइस फॉर्म भर दिया है। मुझे टेंशन इस बात का आ रहा है, हमारी ये टीम है जो कि हमने बनाई है, क्या वो इतनी कैपेबल है जो कि थानोस माफिया जैसे बड़े मॉन्स्टर को हरा पाए या नहीं। मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, डर लग रहा है। ऊपर से हमारे पास 5 से 6 दिन है, उसके बाद तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है। कौन कौन सी टीम आएगी, कौन कौन से अपोनेंट का हमें सामना करना पड़ेगा। गाइस हमारी टीम तगड़ी है, क्या पता उस टूर्नामेंट में हमारी टीम लूजर हो जाए या उल्टा भी हो सकता है, हमारी टीम स्ट्रांग हो जाए। लेकिन यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों आ रहा है, सब लोग डर के मारे छुप तो नहीं गए। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे हो आप, टीम फॉर लेंटन हो, आप कर सकते हो। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब लोग भाग तो नहीं गए यहाँ पे, या कोई टीम में झगड़ा हो गया। गाइस आपको पता है किसी भी खेल में टीम को एकजुट रखना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर झगड़ा हो गया होगा तो हम लोग तो ऐसे ही हार जाएंगे, हमारा यूनिवर्स, हमारी धरती और मैं तबाह हो जाऊंगा। कहाँ पे गए ये? ओए चॉप, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज चॉप मैं यहाँ पे, तुम किसे ढूंढ रहे हो वो तो बताओ। और मैं सारे हीरोज को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है हमारी यूनिवर्स 4 की टीम। तुम एक चीज बताओ, कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें आज क्या करनी पड़ेगी। अरे ये कैसा बेतुका सवाल है, ओके मैं जवाब दे देता हूँ। अगर कर मिला एग्जाम है ना, तो मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, जिस भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो ही मैं कल पेपर लिख पाऊंगा ना। तो वही करने के लिए वो लोग गए हैं, आज उनकी प्रैक्टिस है यानी ट्रेनिंग, आज से उन्हें ट्रेन करने वाले हैं हम लोग। लेकिन वो तो बहुत ताकतवर है। सही कहा तुमने, लेकिन ये ट्रेनिंग उन्हें और ताकतवर करेगी। और ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है पता है? हाँ मुझे पता है, लैंटन होगा, नहीं तो टोनी स्टार्क होगा। नहीं चॉप, इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है जार्वेस। जी डॉक्टर स्ट्रेंज, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ हो गई है? आपको आना पड़ेगा क्योंकि सब लोग अपनी क्षमता से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे लगा ही था ये लोग ऐसे ही करेंगे, इन्हें एक मकसद देना पड़ेगा चॉप। चलो ओके। अरे हम यूनिवर्स 4 के सदस्य, यहाँ पे कौन ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा जार्वेस, ट्रेनिंग रोक दो। ओके रुक जाओ। लेकिन कौन है? अरे 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 ब्रेक मारो, ओह रुक गया। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था। एक चीज बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैं तो बहुत तेजी से कर रहा हूँ, मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूँ, देखते रहना। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये देखो मैं कितनी तेज भाग रहा हूँ। आपको ये स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, इससे तुम टूर्नामेंट में हार सकते हो। ये क्या बला है, मैं तो बहुत तेज से काम कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंज लगता है इस रोबोट में कुछ गड़बड़ है। अरे हो कुछ गड़बड़ लगती है, बहुत तेज भागे थे। तुम अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो फ्लैश, तुम्हें इस टीम में किस लिए लिया गया है? याद रखो ये यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे हर बार अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए बोल रहा है, कैसे होगा ये गड़बड़ है इसमें। इनको मुझे कुछ ना कुछ सिखाना ही पड़ेगा, कैसे सिखाओ नहीं तो हमारे यूनिवर्स 4 की ट्रेनिंग कम पड़ जाएगी। हमें पता नहीं है गाइस आगे कौन कौन से अपोनेंट्स का हमें सामना करना है। फ्लैश मुझे एक चीज बताओ, तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मैं अपनी मॉम से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो तो बहुत समय पहले गुजर गई, अब क्या होगा। तो सोचो अगर तुम यहाँ पे अपनी स्पीड को अनलॉक नहीं कर पाए, तुम्हारी जैसी मॉम बहुत समय पहले नहीं रही, वैसे ही इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी मॉम से वो सब गायब हो जाएगी, यूनिवर्स ही गायब हो जाएगा, ये चलेगा तुम्हें? नहीं स्ट्रेंज, मैं नहीं चाहता मेरी तरह किसी और को मॉम का प्यार ना मिले। मैं करूंगा, मैं भागूंगा, अब मैं बहुत तेज भागने वाला हूँ, मेरी इसमें जान भी चली जाए तो भी चलेगा, मैं ये करके रहूंगा। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज ये काम करेगा? वहाँ पे देखो दिख रहा है, अरे ये तो काम कर रहा है, ये तो अपनी जान लगा के भाग रहा है। ये तो कुछ नहीं, और रुको अब तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, किसी भी बॉब को मैं गायब नहीं होने दूंगा, मेरी बॉब की तरह मैं फ्लैश अपनी स्पीड को लॉक करके रहूंगा। ओ ये क्या हो गया, फ्लैश ने अपनी स्पीड अनलॉक कर ली। ये तो कुछ नहीं है चॉप, और देखना है। अरे ये क्या है, और स्पीड
इतनी स्पीड कैसे? ये क्या हो गया? ये सब स्लो कैसे हो गया? कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं तो और धीरे भाग रहा हूँ। नहीं, आप बहुत धीरे नहीं भाग रहे, आपने अपनी स्पीड को अनलॉक कर लिया। ये आपकी टाइम ट्रेवल है, आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, कुछ सेकंडों के आगे जा सकते हो। ये तो बढ़िया है फ्रेंड, ये देखो मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया, अब मैं और ट्रेनिंग करूँगा, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे बाकी के लोगों को ऐसे एक एक करके जाएंगे तो आज का दिन चला जाएगा। एक काम करता हूँ जार्विस। जी सर। मुझे कनेक्ट करो सारे यूनिवर्स के बाकी 10 सदस्यों से। ओके, सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये कौन है? गोकू। आप बोलिए डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम अपने पावर्स को अनलॉक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, मैं बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम गोकू हो। तुमने इससे पहले ड्रैगन बॉल जी में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया है, तुमने गॉड की शक्ति हासिल की है, अब तो मामूली ट्रेनिंग से डर रहे हो। आप सही बोल रहे हो, मैं डर नहीं सकता, मैं ये करूँगा, मैं गोकू हूँ, मैं गोकू हूँ। ये लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ट्रेनिंग, याद रखो तुम कौन हो? मैं हूँ गोकू, मैं हूँ गोकू, मैं गोकू हूँ। इससे भी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ गोकू। नहीं, आप इससे कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत कम शक्ति है, आपको गेनी दामा को अपग्रेड करना होगा। ऐसी बात है, मैं गोकू अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मेरा नाम है गोकू। ये क्या, ये तो दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा था गोकू कुछ भी कर सकता है। ये लो। बहुत बढ़िया, आपने अपनी पावर अनलॉक कर ली। ये तो कुछ नहीं है, और ट्रेनिंग करूंगा, और ट्रेनिंग। ये मेरे से नहीं होगा, तुम लोग पागल हो गए हो, मैं पानी के अंदर आग नहीं लगा सकता। आपको ये करना पड़ेगा, आपको आपकी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा घोस्ट राइडर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं आग पानी के अंदर नहीं जला पा रहा। ये नहीं होगा घोस्ट राइडर, मेरी बात सुनो, तुम कौन हो? मैजिकल देवता? डॉक्टर स्ट्रेंज रुको, मैं बात करता हूँ इससे। अब ये डॉगी मेरे से बात करेगा? हो, मैं एक डॉगी हूँ लेकिन तुम्हें पता है मैं कभी भी धोखा नहीं देता किसी को, तुम धोखेबाज हो। क्या कह रहे हो? मैं धोखेबाज नहीं, मैं नहीं हो सकता। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम यूनिवर्स 4 की टीम के अंदर आए ही क्यों? अगर तुम्हें अपनी कमजोरी का सामना नहीं करना, तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी पूरी ऑडियंस को धोखा दिया है। तुम्हें हमने पहली टीम में ऐड किया था लेकिन फिर भी तुम अपनी पावर्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और तुम हमें धोखा दे रहे हो, इसका मतलब यही होता है, समझे घोस्ट राइडर? तुमने बराबर कहा, आज मुझे एक डॉगी से बहुत बड़ी शिक्षा मिली। मैं ही तो था यूनिवर्स 4 की टीम में और मैं ही अपनी कमजोरी का सामना नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया चॉप। और मैं तो ऐसे ही बोल गया था, तुम कर सकते हो घोस्ट राइडर। सही कहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पानी में आग लगा सकता हूँ। अरे ये क्या, इसको तो थोड़े पानी में जाने कहा था, ये तो पूरे पानी में चला गया। तुम रुको चॉप, ये कुछ सोच समझ के कर रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? आपने पानी के अंदर पानी की आग को कंट्रोल करना सीख लिया, अब अपग्रेड हो गए। मैंने वादा निभाया चॉप, और इतना ही नहीं, मैं और वादा निभाऊंगा। जब तक मैं अपनी ताकत को अपनी आग को और नहीं बढ़ाता तब तक मैं पानी में ही रहूंगा। और ये तो और मोटिवेशन में आ गया। बहुत बढ़िया चॉप, तुमने इससे बहुत बढ़िया काम करवाया, तुम बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती हो। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, चलो बाकी लोगों को देखते हैं। अरे यार जार्विस, ये मैं नहीं कर सकता, प्लीज तुम मुझे ऐसे करने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें ऑमरेटिक्स को यूज करना सीखना पड़ेगा, ऑमरेटिक्स ही तुम्हारी ताकत है, तुम एलियंस को हर सेकंड में अपग्रेड करो। अरे ये पॉसिबल नहीं है, ऑमरेटिक्स डिस्चार्ज हो जाता है। जिनचैन, मैं बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, आप यहाँ पे ये देखो ना, ये जार्विस क्या बोल रही है। जार्विस बराबर बोल रही है शिनचैन, तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। अरे चो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। हो, मैं तुम्हें ही ब्लेम करूंगा, अगर मेरे पास ऑमरेटिक्स होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करता, मैं उसके बारे में सोचता। हाँ शिनचैन, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। अरे लेकिन ये ऑमरेटिक्स डिस्चार्ज हो जाता है, कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी आत्मा से एनर्जी लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी। अरे चुप, तूने क्या कहा, फिर से बता। तुम्हें अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी आत्मा से एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओ तेरे की एनर्जी, ये तो मैं भूल ही गया था। चार्वेक मुझे चीज बताओ, ओमरिटिक्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके अंदर जो एनर्जी है उससे ही उसे पावर मिलती है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, मैं अपनी एनर्जी से फिर से इसको चार्ज कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया चॉप। ओके, अब करके दिखाओ। अब मैं बनने जा रहा हूँ पेंटेन। बहुत बढ़िया। और तेरे की तुम तो अपग्रेड के अपग्रेड किए जा रहे हो, बाप रे बाप। अरे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया शिनचैन, तुम ये कर सकते हो। आपने अपने बहुत सारे वर्जन को अनलॉक कर लिया है शिनचैन। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। ओ तेरे की शिनचैन, बहुत बढ़िया, अब तुम हमें जितवाओगे। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। हल्क ये नहीं कर सकता, तुम हल्क की बात सुनो। हल्क को भी भूख लगती है, हल्क को भी थकावट लगती है। नहीं, ये पागल मशीन है, मैं इसके बात क्यों मानूं? मैं हूँ हल्क। मैं और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहे हो, तुम थक जा रहे हो हल्क, लगता है तुम्हें जंग लग गया है। क्या कहा? हल्क मेरी बात सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तक तुम पावरफुल थे, तुम्हें दूसरे नंबर पे हमने यूनिवर्स फॉर्म में लिया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए स्ट्रेंज। हो, मैं कहूँगा। चुप, तुम भी मुझे एक चीज बताओ, तुम अगर ताकतवर हो तो गुस्सा आ रहा है ना, तो अपनी पावर को अनलॉक करके क्यों नहीं दिखाते? चुप। हो, गुस्सा आ रहा है मेरी बातों पे, तो पावर को अनलॉक करके दिखाओ, ये चैलेंज है। मैं हूँ। ये हुई ना बात। चुप हो जाओ चुप, ये अपनी पावर को अनलॉक कर रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं हूँ हल्क। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं गुस्से में हूँ। बहुत बढ़िया, आपने पहले ही 3 घंटे तक अपनी पावर को यूज किया था, अब और पावर यूज कर रहे हो, आपने स्ट्रेंथ को अनलॉक कर लिया। पूरी ये क्या हो रहा है स्ट्रेंज, ये सारे के सारे अपने एक टेबल के अंदर आके रुक क्यों रहे हैं? इन्हें ऐसे जोश क्यों देना पड़ रहा है? इसकी वजह तुम जानते हो, क्योंकि इन लोगों ने जो जंग की वो वाली जंग किसी काम की नहीं थी, वो बहुत नॉर्मल जंग थी, लेकिन अभी वो जो जंग करने वाले हैं उसके लिए इन लोगों को अपनी पावर्स को 1000 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और ये इसके लिए काबिल है, लेकिन इन्हें बस एक स्टार्टअप की जरूरत है, एक झटके की जरूरत है। ऐसी बात है क्या, ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। सही कहा। आपने अपनी एनर्जी को और बढ़ा लिया है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा, मैं हूँ। ओह फंतास्टिक, ये क्या, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर से गिर क्यों रहा हूँ? मैं क्रैश हूँ, मैं तो बिल्डिंग के ऊपर तो कूद सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कूद पा रहा हूँ। हाँ, फंतास्टिक, ये कैसे पॉसिबल है? लगता है ये मशीन में ही कुछ गड़बड़ है। नहीं, आप बहुत कमजोर हो। क्या कहना चाहते हो जर्वेस? मैं तो कार को भी खत्म कर चुका हूँ, पता है मैं कितने बड़े बड़े जंप लगाता हूँ, मैं प्लेन को भी आराम से नीचे हिला सकता हूँ। मैं हूँ क्रैश, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम क्रैश हो ना? हाँ, क्रैश हूँ। मैजिकल बाबा, तुम यहाँ पे? मैं मैजिकल बाबा नहीं हूँ बेवकूफ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। तुम इसको पार क्यों नहीं कर पा रहे हो? फंतास्टिक, पता नहीं मैंने कितने बड़े बड़े पहाड़ को पार किया है, लेकिन इसको क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे पता है तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बहुत ही ठंड थी, और यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसीलिए तुम अपने जूतों की वजह से कूद नहीं पा रहे हो। जार्वेस, नहीं सर, इनको नहीं जूते दे रहा हूँ। फंतास्टिक, ये जूते तो बहुत कम्फर्टेबल है, इनविजिबल भी है। पूरी तो आप ट्राई करो, क्या तुम इसे पार कर पाती हो? तुम्हें अपनी लेवल को बढ़ाना है। हाँ, फंतास्टिक दोगी, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और ये चीज याद रखना, तुम अपने सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? हाँ, फंतास्टिक, अपने डैडी से, और किससे? तो उनके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। हाँ, फंतास्टिक, जादू ने मुझे कमजोर से ताकतवर बनाया था, अब मुझे पूरे यूनिवर्स को बचाने का मौका मिला है। हाँ, फंतास्टिक, अब मैं क्रिश्क और इस दुनिया दोनों को बचाऊंगा, और दोनों का नाम रोशन करूंगा। ये देखो, ये क्या, ये मैंने नई मूव सीखी। ओह फंतास्टिक, मजा आ गया। आपने इस पहाड़ को 30 सेकंड से पहले ही पार कर लिया, आप बहुत औसम हो। ओह फंतास्टिक, मैंने ये कर लिया। मैं हूँ क्रैश। इतना ही नहीं, मैं और बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर कूद सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग जारी रखूंगा। बहुत बढ़िया, ये तो और ट्रेनिंग जारी रख रहा है। सही कहा, हमें और काम है चॉप। वेनम को नहीं हो रहा ये। तुम्हें और 1,00,000 पुशअप्स मारने होंगे वेनम। वेनम का हाथ दुख रहा है, तुम पागल हो गए हो, वेनम को ये नहीं पसंद। वेनम, उबे पागल वेनम। चॉप, तुम बहुत डिलीशियस हो। हो भाई, मैं डिलीशियस हूँ बेवकूफ, तुम्हें खाने के बारे में सब पता है, लेकिन तुम पुशअप्स नहीं मार रहे हो। तुम्हारा ग्रह तबाह किया है, याद है ना, उस गॉड ऑफ ड्रीम्स ने। मुझे ये पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत।
बात नहीं है। याद दिला रहा हूँ क्योंकि तुम भूल गए हो, तुम्हें मौका मिला है गॉड ऑफ ड्रीम्स को हराने का, उसकी टीम को हराने का, तुम ये नहीं करोगे? मैं करूँगा, मैं 1,00,000 पुशअप्स मारूंगा। ये हुई ना बात, लेकिन यार ये पुशअप्स मारने से डर क्यों रहा था? इसने अभी तक 1,000,000 पुशअप्स मारे हैं, इसका टारगेट है 100,000,000 पुशअप्स का, इसे मारने होंगे। बाप रे बाप, मेरे से 2 पुशअप्स नहीं होते। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरे पूरे प्लेनेट को तबाह किया उन लोगों ने, मैं छोड़ूंगा नहीं। 100, 200, 1,000, 1,000, 1,000, 2, 1, 2, 3। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही 100 पुशअप्स मारो। मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदला लेके रहूंगा। We are Venom। ये ले। हाँ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया। बहुत हो गई ट्रेनिंग। जार्वेस कैसा रहा? यार बहुत बढ़िया रहा, लेकिन आपको और एक्यूरेशन की जरूरत है, आपका निशाना चुक रहा है। ये देख। हाँ, बहुत बढ़िया जार्वेस, मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे मत सिखाओ, मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। चलो चलते हैं। रुक जाओ टोनी, तुम ये क्या कर रहे हो? स्ट्रेंज, तुम यहाँ पे क्या हो गया, बोलो। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम हमें धोखा दे रहे हो टोनी। क्या कहना चाहते हो स्ट्रेंज? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? मैंने तुम्हें एक लीडर के रूप में पहले नंबर पे रखा था, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। पूरी हो वही तो, आप भले लीडर हो, आपने भले जार्विस को बनाया है, लेकिन आप ये कैसे भूल गए? हमेशा लीडर को बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आप हार मान रहे हो। बात बराबर बोल रहा है ये डॉगी। टोनी, ये एनिमल को इतनी अकल है, तुम्हें अकल नहीं है। सही कहा तुमने, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, मैं भूल गया था हमारा सामना अलग अलग टाइमलाइन के हीरो से है और वो हमारे लिए विलन है। क्या पता वो कितने ताकतवर हो, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। ये ले। मैं एक्यूरेट निशाना लगाऊंगा। जार्विस नहीं सर, टाइम लिमिट को अनलिमिटेड कर दो जब तक निशाना सही न लगे। ओके सर, आपको सामने दिखे हुए सारे के सारे पोल को अटैक करना है। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया अटैक, ये लो। आ, आ। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेटजी आपने अभी नई बनाई है। शुक्रिया जार्विस। टोनी, ऐसे ही मेहनत करते रहो, हमारी टीम जरूर जीतेगी। सही कहा, लीडर हमेशा ज्यादा ट्रेनिंग करता है। मैं करूंगा। शिट, नहीं, आउच, लग गई। ये क्या हो रहा है, मैं फिसल गया, मुझे फिर से करना है। मुझे एक्यूरेसी के साथ अपनी पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा। मैं कहा फ्रैंकलिन, आपको आपकी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जार्विस, तुम बराबर बोल रहे हो। लेकिन कैसे, मैं इस पानी के ऊपर चल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं नीचे गिर रहा हूँ हर बार। कैसे मैं कंट्रोल करूँ, मेरी पावर हर बार कम होती जा रही है। क्या करूँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि मुझे लग रहा था फ्रैंकलिन अंकल, आप अपनी जोश और होश दोनों एक साथ यूज कर रहे हो। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम एक लीडर हो और सब कुछ कर सकते हो। तुम दोनों क्या हो गया, मुझे ट्रेनिंग करने दो। हाँ, बाकी लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उन्हें जोश दिया और सबने अपनी पावर को अनलॉक कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है चौप, शुक्रिया तुम सबका। लेकिन एक गड़बड़ है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरी पावर्स को अनलॉक, और मेरी पावर्स धीरे धीरे कम खत्म हो रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं सोलर लैंडन अभी बना था, लेकिन अब सोलर लैंडन की टाइम लिमिट बस आधा घंटा बची है। मैं आधा घंटा के लिए ही सोलर लैंडन बन सकता हूँ। फ्रैंकलिन, क्या बोल रहे हो, तुम तो हमारा मेन हुकुम का इक्का हो, तुम ऐसे कर कैसे कर सकते हो? पूरी वही तो यार फ्रैंकलिन भैया, अब जरूर करो। मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा। ये देखा, मैं एक्यूरेसी के साथ नहीं डाल पा रहा मेरे ये नए मुँह को। पूरी अपने ये नया मुँह कब सीख लिया? चौप, मैंने सीख लिया, ये देखो, मैंने इसे पकड़ तो लिया है, लेकिन ये बस जमीन के ऊपर जा रहा है। मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने कहा था ब्लैक पैंथर को सूट बनाने के लिए। फ्रैंकलिन, मुझे एक चीज बताओ, तुम ब्लैक पैंथर के सूट के ऊपर ही निर्भर हो? अब तक तुम्हें ब्लैक पैंथर ने सूट दिया, अब तक उसने तुम्हें जिताया? नहीं, मैं अपनी खुद की मदद से अब तक इतने सारे जंग जीत चुका हूँ। तू यार फ्रैंकलिन अंकल, आज भी जीतोगे, अब बस शांत रहो और कंट्रोल करो। मैं कर रहा हूँ। ये जमीन के ऊपर क्यों जा रहा है? क्या ये पीछे चला गया? क्यों हो रहा है ये? फ्रैंकलिन अंकल, आप ऐसे करोगे तो यार हम हार जाएंगे, हमने ही तो चैलेंज लिया था। सही कह रहा है चौप, मैंने ही चैलेंज लिया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो वो तुम सबको मार देता, उसी समय अर्थ का नामो निशान खत्म हो जाता। फ्रैंकलिन, वो एक अच्छा जवाब था उनके लिए, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखो, तुम गोकू की तरह हो। गोकू भी अपने दोस्तों के लिए अपनी पावर्स बढ़ाता रहता है, तुम्हारा पावर से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा
तुम्हारा लेना देना है तुम्हारे दोस्तों से। याद करो उनकी कुर्बानी, याद करो उनकी शक्तियाँ। अगर तुमने नहीं किया तो तुम उनके लिए एक हार बन के रह जाओगे फ्रैंकलिन। बात तो बराबर बोल रहे हो तुम, ये मैं नहीं कर सकता। गाइस आप सबका भरोसा, पूरी की पूरी टीम फोर शूटर की आर्मी मेरे साथ है। हम लोगों की 1 मिलियन की आर्मी होने वाली है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो अभी के अभी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ और इस नए यूनिवर्सल टूर्नामेंट में हमारा साथ दो। अब तक इन लोगों ने जो कहा है वो सही कहा है गाइस, हम सब लोग ऐसे नहीं कर सकते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है सच झूठ क्या है। आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि एक सुपर हीरो और एक सुपर पावर मिलने से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वैसे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। मैं बहुत सोचने लगा हूँ। वेट, पूरी क्या हो गया आपको, क्या हो गया? वेट अ सेकंड, अभी मैंने आपको जवाब दे दिया गाइस मेरी कमजोरी का। शिट, पूरी क्या जवाब है, आपकी पावर क्यों कम हो रही है? जॉब इसी की वजह से। मैं बहुत सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे अकेले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक है और सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो मैं भूल गया था, टेंशन की वजह से मैं अपनी पावर्स कम कर रहा हूँ, खुद के हाथों से मैं खुद को खा रहा हूँ। अब ये हुई ना बात। चॉप, शुक्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, ऑडियंस ने किया। गाइस आप सबका शुक्रिया, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, मुझे अपनी कमजोरी का राज पता चल गया। अब बताऊंगा इन टूर्नामेंट वालों को कि कैसे मैं जब ग्रीन लैंटर्न बना था तो मेरी पावर्स अपग्रेड हुई करती थी, और आज भी मैं इतनी सारी पावर्स को कंट्रोल करूंगा। और ये क्या कर रहे हो? तुम बस देखा करो, मैं इस पानी के ऊपर कब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर सकता हूँ। और अब डूब रहे हो? जॉब, मैं नहीं डूबूंगा, क्योंकि मैं अब तक टेंशन में काम कर रहा था, सीरियसली काम कर रहा था। लेकिन अब आएगा ना मजा, अब मैं इन सबका नाम और निशान मिटाऊंगा। वो क्या निशाना था? इसे कहते हैं परफेक्ट निशाना। मजा आया गाइस, मैं निशाना लगा पा रहा हूँ, ये जहाँ पे चाहे वहाँ पे, यहाँ पे, अब उस वाले पेड़ के ऊपर, ये ले, ये वाले पंछी के ऊपर उड़ गया। भाई साहब शुक्रिया गाइस, अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, और मैं अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या शिट, ये क्या हुआ? फ्रैंकलिन, तुमने अपनी पावर्स को अनलॉक कर लिया, एक लेवल आगे चले गए। ये हुई ना बात। मैं हूँ फ्रैंकलिन द सोलर लैंटर्न, ये मेरा अटैक है, सोलर क्लिप्स, ये ले सोलर क्लिप्स पावर, ये ले। मजा आ गया, और पावर्स को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मैं कोशिश करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी सोलर लैंडिंग के पावर्स को खो दोगे। नहीं जार्वेस, आपने अपनी पावर्स को पहले ही आधे घंटे के लिए यूज किया है ट्रेनिंग के दौरान, अब अगर आप अपनी पावर यूज करते हो तो खतरा हो सकता है। करो फ्रैंकल अंकल, करो। क्या पागल हो गया क्या? वैसे भी अगर फ्रैंकल अंकल अपनी पावर्स को नहीं अपग्रेड कर पाए तो वैसे भी हम लोग हार ही जाएंगे, क्या ही मतलब है तो फ्रैंकल अंकल की पावर का। सही कह रहा है चॉप गाइस, अगर मैं अपनी पावर्स को फिर से एक्टिवेट नहीं कर पाया। मुझे एक चीज याद आ गई, शिनचैन की बात है। क्या शिनचैन की बात? फ्रैंकलिन, उसे अपनी पावर अपने अंदर के आत्मा से एनर्जी मिलती है, तुम्हें भी ऐसी कैसे मिलती है क्या? वेट अ सेकंड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर शिनचैन को अपने अंदर की आत्मा की एनर्जी से ऑमरेटिक रिचार्ज करने के लिए पावर मिलती है तो मैं अपनी सूट को रिचार्ज करने के लिए ये कर सकता हूँ, लेकिन इसमें खतरा है। कैसा खतरा? इसमें फ्रैंकलिन अपने शरीर को और उसकी हड्डियों को तोड़ देगा, फोड़ देगा, और क्या पता हड्डियाँ टूटने के बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। फ्रैंकलिन, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सही कहा गाइस, आप सब लोग रेडी हो? इट्स टाइम टू अपग्रेड। मैं अपनी सोलर लैंटर्न की पावर को फिर से काबू कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सोलर लैंटर्न मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, वो भी अच्छाई का। और ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये फ्रैंकलिन की पावर है, मेरी पावर्स मेरे पास आ गई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी असीम शक्तियाँ हैं। और तेरे की, आप बहुत खतरनाक फ्रैंकलिन बन गए हो। सही कहा चॉप, और इसी पावर्स के लिए थानोस माफिया ने मुझे लाचार कहा था, मुझे भीख में मेरी जान दी थी, और आज मैंने इसी पावर को अपना हथियार बना लिया है। मैं
पावरफुल बन चुका हूँ। ओ माय गॉड, मदर फ्रैंकल अंकल, आप तो अपनी पावर्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हो। सही कहा चॉप। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बढ़िया चॉप, तुमने फ्रैंकलिन के अंदर के ग्रीन लैंटर्न को जगा दिया। अब होगी ना सबसे बड़ी जंग गाइस। सही कहा चॉप, दुनिया की असीम और ताकतवर जंग। पावर, मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा अंडर वाटर माफिया अब बना है थैनोस माफिया। लगता है यूनिवर्स 4 की टीम यानी फ्रैंकलिन की टीम रेडी है, सबने पावर्स को अपग्रेड कर लिया है। लगता है अब मुझे भी अपनी टीम बनानी ही पड़ेगी, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। दोस्तों विलन्स की टीम बनाओ, हमारे यूनिवर्स की भी टीम होनी चाहिए और कल तक मुझे अपनी टीम और उनके नाम और उनकी पावर्स मेरे सामने चाहिए। वो समय आ ही गया, कल होगा महा युद्ध और उसकी हम लोग करेंगे एक टेस्टी ट्रायल मैच होगा कल। ये थैनोस का यानी ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा का वादा है। बनाओ टीम हमारी, हमारी टीम वर्सेस यूनिवर्स 4 की टीम होगी, फ्रैंकलिन की टीम होगी, एक ट्रायल मैच पूरी दुनिया के लिए। मैं हूँ थैनोस, उभरती दुनिया का नया थैनोस माफिया। ओके सो गाइस, दैट इज फॉर टुडेस वीडियो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग 1 मिलियन के बहुत नियर है और आप लोगों ने ये वाले अलग अलग चैनल्स को विजिट नहीं किया तो विजिट करो, और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाना। और इंस्टाग्राम ये रहा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी ज्वाइन करो वीडियोस के अपडेट के लिए। आगे क्या होगा, क्या थैनोस माफिया सच में हमारे और उसकी टीम के बीच में फाइट करवाना चाहता है या उसका इरादा कुछ और है, वो तो आपको अगले वाले एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।